कहानी 46वीं पौलुस रा मसीही विश्वासी बनी जाना। शाऊल नामार एक आदमी था जिन्हें यीशु पर विश्वास नहीं किया था। जब से जवान था तब तिने स्तिफनुस जो मारने वाले लोगों रे कपड़े री देखभाल की थी। बाद च तिने विश्वासिया जो तंग किया था। तिने यरूशलेमा च घर घर जाके औरतों और आदमियों जो जेल च पाया था। तब बड़ा यहूदी पुजारी ने शाऊला जो दमिश्का जो जाने जो बोलिया। तिने तिथि रे मसीही लोका जो पकड़ी के वापस यरूशलेमा जो लियाने जो बोलिया। तब शाऊला ने दमिश्क जाने की तैयारी की। तिस नगरा च पहुँचने से पहले तीसरे चारों तरफ एक आसमाना च एक तेज रोशनी चमकी और से भुइया रुड़ी गा। शाऊला ने किसी जो बोलते हुए सुनया, हे शाऊल तू मिंजो कौं तंग करा। शाऊला ने पूछा, हे प्रभु तू कौन आ। यशुआ ने तिसो बोलिया, आऊं यशुआ तू मिंजो तंग करने लगी रहा। तब शाऊल उठ्या तो से अंधा होगा था। तीसरे दोस्त तिसो दमिश्का जो ले गए। शाऊला ने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। दमिश्का च हन्या नामारा एक चेला था। परमेश्वर ने तिस जो बोलिया, तिस घरा च जा जिथी शाऊल रहने लगी रहा, अपने हाथ तिस पर रख, बई से दोबारा देखने लगो। पर हन्या ने बोलिया, हे प्रभु मैं सुन रहा भई इन आदमिया ने विश्वासी जो बहुत तंग कितरा। परमेश्वर ने तिसो बोलिया, जा मैं तिसो यहूदिया च और दूजी जातिया रे लोका च मेरे नामा री पछाण बनाने खतर मैं से तैयार करना, से मेरे नामा खतर बहुत दुख झेलगा। तब हन्या शाऊला के गया, अपने हाथ तिस पर रखे और बोलिया, यशुआ ने जो इथी आने खतर तेरे रस्ते च तां पर आया था मिंजो तंगे भेजीरा, बई तू दोबारा देखी सको और पवित्र आत्मा तिजो परी दो, तभी शाऊल दोबारा देखने लगेगा। और हन्या ने तिसो बपतिस्मा दित्या। तब शाऊला ने रोटी खाई और दोबारा ताकतवर हो गया। तब शाऊला ने दमिश्क च रहने वाले यहूदिया च प्रचार करना शुरू करीता। तिने बोलिया, यीशु ही परमेश्वर रा पुत्र आ। यहूदी लोग हैरान थे, बई शाऊला ने तो विश्वासी जो मारने री सोची थी, पर अब तिने यीशु पर विश्वास कित्या। शाऊला ने यहूदिया कने बहस की। तिने सभी जो बताया भई यीशु ही मसीह था। बहुत दिन बाद यहूदिया ने शाऊला जो मारने री सोची। तिने तिसो मारने खातर नगरा रे दरवाजे पर लोग का जो भेजिया, भई तीसरी खबर रखो। पर शाऊला ने इस खबर रे बारे च सुनी ला। तब तीसरे दोस्ता ने बचने खातर तीसरी मदद की। एक राति ज्योति ने तिसो टोकरी च बिठाई के तिसो नगरा रे द्वारा ते उंदे उतारी था। दमिश्का ते बची के निकलने ते बाद शाऊला ने यशुआ रे बारे च प्रचार करना नहीं छड्या। शाऊल प्रेरिता कने मिलने यरूशलेमा च गया, पर से तिसते डरां थे। तब बरनबास नामा रा एक विश्वासी शाऊला जो प्रेरिता गे ले गया। तिने तिना जो बताया भई शाऊला ने किया दमिश्का च प्रचार कित्या। तिते बाद प्रेरिता ने शाऊला जो अपू कने रखी ला। कुछ विश्वासी जो यरूशलेमा रे तंग करने ते बाद नठी गए थे, से बहुत दूर अंताकिया नगरा च चली गए और यीशु रे बारे च प्रचार करां थे। अंताकिया च रहने वाले लोग ज्यादातर यहूदी थे, पर पहली बार तिना में ते बहुत सारे लोग विश्वासी बन गए। बरनबास और शाऊल इना नए विश्वासी जो यीशु रे बारे च और बताने खातर तिथि गए और कलीसिया जो और मजबूत कित्या। यीशु पर विश्वास करने वाले पहली बार अंताकिया च मसीही नामा ते बुलाए गए। एक दिन अंताकिया रे मसीही लोग उपवास और प्रार्थना करने लग रहे थे। पवित्र आत्मा ने तिना जो बोलिया, मां खतर बरनबास और शाऊला जो तीस कामा जो करने खतर लग करी दो जिते खतर मैं बुलाई रे। इते खतर अंताकिया री कलीसिया बरनबास और शाऊला खतर प्रार्थना कीती और तिना पर हाथ रखिया। तब तिने तिना जो और कई जगह यशुओ रे बारे च सुसमाचार फैलाने जो भेजिया। बरनबास और शाऊल ने अलग अलग जातिया रे लोका जो बताया और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया।